लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की, जो कि इस बार पहले के मुकाबले काफी हटकर होता हुआ दिखाई देगा। इस बार मतदाताओं को लुभाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल मीडिया फर्म्स का काम बढ़ गया है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी चांदी है। कैसे अलग होगा इस बार का चुनाव प्रचार, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टियों के वॉर रूम में इस बार एआई की बात हो रही है। बीजेपी ने एआई डबिंग तकनीक की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को देश की 8 भाषाओं में उपलब्ध कराया है। इसके जरिए पीएम मोदी रियल टाइम में अलग अलग राज्यों की जनता को उनकी ही मातृभाषा में संबोधित करेंगे। कांग्रेस एआई के जरिए अगर गांधी नेहरू जिंदा होते कैंपेन चलाने वाली है। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। एक और रोचक एआई प्रचार बंगाल में सीपीएम कर रही है, जहां एआई एंकर समता इलेक्शन कैंपेन में मदद करेगी। आली में तमिलनाडु में डीएमके के नेता स्वर्गीय एम करुणानिधि का डी फेक अवतार भाषण देता नजर आया। इस बार चुनाव में पार्टियां डिजिटल मीडिया और एआई स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही हैं। ट्रेडिशनल कैंपेनिंग पहले हम 80% पॉपुलेशन को पहुंचने के लिए करते थे, अभी जहां के ये उल्टा हो गया है। अभी 20% पॉपुलेशन जो है वो ट्रेडिशनल कैंपेनिंग से हम उनको अवेयर करा सकते हैं और 80% पॉपुलेशन सेगमेंट जो है वो हम नए तरीकों से डिजिटल मीडिया, एआई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और व्हाट्सएप और गूगल के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, सेफोलॉजिस्ट भी चुनाव प्रोडक्शन में एआई की मदद ले रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी हाथ मिलाया है और चुनाव के ठीक पहले आपको ये इन्फ्लुएंसर कैंपेन में नजर आएंगे। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत हो गई है और इन्फ्लुएंसर बड़ी ताकत हो गए हैं, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीजें चाहती हैं। मुझे बहुत सारे राजनीतिक पार्टी की तरफ से ऑफर आ रहे हैं और पीआर कंपनी के तरफ से और लोकसभा प्रत्याशी के तरफ से ऑफर आ रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए। लेकिन सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक सबकी बड़ी चिंता चुनाव में डी फेक के इस्तेमाल को लेकर है। सरकार डी फेक को लेकर एडवाइजरी ला चुकी है, लेकिन चुनावी माहौल में इसका पालन कराना एक बड़ी चुनौती होगी। एआई और सोशल मीडिया चुनाव प्रचार को रोचक तो बना रहे हैं, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से सावधान रहने की जरूरत भी है। लखनऊ से कमलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली।